लगता है तुम्हारा मूड खराब है। डिंग डिंग डिंग, सुबह से थप्पड़ और गालियां ही खा रहा हूँ। डेना। तो ठीक है समंथा, सेटलमेंट करने के लिए तुम क्या चाहोगी? तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा। आधी प्रॉपर्टी? हमारे पास बेवफाई का सबूत भी है, कैसे जीतोगे ये केस? ये केस जीतना तो मेरे मैं समझ गई फ्लेचर, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो यही सही। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो यही। आखिर तुम्हें हुआ क्या है, ये सब क्या है? शांत हो जाइए, जज साहब आ रहे हैं, खड़े हो जाइए। ऑनरेबल, गुड मॉर्निंग। केस नंबर BD09395 की सुनवाई है, समांथा कोल वर्सेस रिचर्ड कोल। कहिए आप कैसी हैं मैडम? फाइन थैंक यू। और आप मिस्टर रीड? कल रात को बिस्तर पर झंडा ठीक से गाड़ नहीं पाया इसलिए थोड़ा अपसेट हूं। देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हर काम मुश्किल हो जाता है, चलिए कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो बताइए मिस्टर रीड, आपकी क्लाइंट क्या कहती हैं? मैं चाहता हूँ कि अगली तारीख दे दी जाए। लेकिन मिस्टर रीड, इस केस में आपको पहले ही कई बार तारीख दी जा चुकी है। मैं जानता हूँ योर ऑनर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी सुनवाई किसी और दिन कभी और की जाए। मुझे सुनवाई रद्द करने के लिए कोई खास वजह चाहिए, प्रॉब्लम बताइए। झूठ नहीं बोल पा रहा। ये अच्छी बात है मिस्टर रीड, लेकिन सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए मुझे कोई ठोस वजह चाहिए। नहीं है। तो फिर इस केस की सुनवाई आज ही होगी। क्या इस केस में सेटलमेंट की गुंजाइश है? मुझे नहीं लगता योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने तो वैसे $24,00,000 देने का ऑफर दिया था, और मिस्टर रीड ने आज मिलते ही ये कह दिया कि वो सेटलमेंट सेटल 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 सेटल। मैं इतने कम में सेटल नहीं करूंगी मिस्टर रीड। तुमने मुझे कल बताया था कि मुझे अपना हक मिलना चाहिए, मैं प्यार की भूखी थी इसलिए दूसरे आदमी की बाहों में चली गई। हाँ जितने भी थे, तुमने मुझे बताया था कि हम जरूर जीतेंगे, और अब मैं लड़ना चाहती हूँ। मिसेस कोल, तुझसे सब मिस्टर रीड, क्या सेटलमेंट हो रहा है? नहीं। कोई सेटलमेंट नहीं, ट्रायल ठीक 1:30 बजे शुरू होगी। ड्रेस कैसी लगी? तुम्हारे हेयर स्टाइल से बहुत अच्छी है। कैसे हो फ्लेचर? ब्रेक कंट्रोल कर मोटे, आतिका बच्चा। हे फ्लेचर। हे, तेरा नाम कौन याद रखेगा? हट। लंच में क्या खाएंगे मिस्टर रीड? तेरे नाक की सड़ी हुई फुंसी। मिस्टर फ्लेचर। मत पूछ, आज मेरा मुंह मत खुलवा बुढ़िया।